दोस्तों स्वागत है आपका अद्भुत रहस्य के एक नए फ्रेश एपिसोड में, जहां आपको देखने को मिलता है अद्भुत, अविश्वसनीय और रहस्यों से भरी वीडियोस। इसलिए जो नए दर्शक हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी को भी दबा लो। दोस्तों किसी भी देश की सेना उस देश का अहम हिस्सा होती है। अगर किसी देश के पास शक्तिशाली सेना नहीं है तो देश की सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देशों के नाम बताएंगे जिनके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। तो आइए जानते हैं दुनिया की 10 शक्तिशाली सेनाओं वाले देश के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नए दर्शक हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। अमेरिका। दोस्तों अमेरिका के पास अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ 2130 क्रूज मिसाइल, 450 बैलिस्टिक मिसाइल और 19 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो हवा से हवा में वार करने में सक्षम है। यूएस अपने डिफेंस फोर्स पर बाकी देशों की तुलना में 10 गुना पैसे ज्यादा खर्च करता है। अपने अत्याधुनिक हथियारों और मजबूत जहाजी बेड़े के कारण यहाँ की नौसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना है। रूस। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रूस, इसके पास सबसे मजबूत टैंक फोर्स है जो कि 1500 की संख्या में है। इसके पास कुल सक्रिय सैन्य की संख्या लगभग 7,60,000 है। चीन। इस देश की आर्मी सबसे बड़ी है और यह अपनी मिलिट्री तथा डिफेंस पर खर्च करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश माना गया है। इस वक्त चीन के पास लगभग 2.5 लाख कर्मियों की मिलिट्री स्ट्रेंथ है। भारत। लगभग 11,30,000 सक्रिय सैनिकों और 12,00,000 आरक्षित सैन्य कर्मियों की सेवाएं ग्रहण करने वाली भारतीय थल सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय थल सेना की स्थापना साल 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के तुरंत बाद हुई थी और इसी साल यानी 2020 में रफाल जैसी फाइटर प्लेन भी इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन गई। मतलब भारत की सैन्य शक्ति पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गई है। भारत अपनी सेना पर $46 अरब का खर्च करता है हर साल। ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में 5वें स्थान पर आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस देश ने अपनी सेना को 20% तक कम कर लिया है। इस वक्त ब्रिटेन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने और अनुसंधान में सुधार करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। फ्रांस। दोस्तों फ्रांस का भी अन्य देशों से अंतर लगभग ना सा है। दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स के साथ दुनिया के शक्तिशाली देशों की लिस्ट में फ्रांस का 6ठा स्थान है। और साथ ही साथ आपको ये तो पता ही होगा कि फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक भी है। जर्मनी। दोस्तों जर्मनी की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। यह नाटो की सक्रिय सदस्य है जो कि अपनी सेनाओं के संबंध में प्रभावशाली टेक्नोलॉजी के होने का दावा करती है। जापान। यह देश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने आक्रामक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। जापान दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची पर आता है। दूसरे विश्व युद्ध में पराजय के बाद जापान ने अपनी सेना की संख्या में काफी हद तक कटौती के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन आज यह अपनी विध्वंसक तकनीकी क्षमता के कारण विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। दक्षिण कोरिया। दोस्तों दक्षिण कोरिया की सेना संख्या में कम होने के बावजूद बेहद पेशेवर ढंग से ट्रेंड और मॉडर्न है। यहाँ हर दूसरे दिन अत्याधुनिक मिसाइलें और विध्वंसक क्षमता वाले हथियारों को टेस्ट किया जाता है। इजराइल। दोस्तों इजराइल की सेना अच्छे प्रशिक्षण और संचालन के लिए जानी जाती है। इनकी सैन्य संख्या भले ही कम हो लेकिन यह विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में एक मानी जाती है। यह देश खुद के बजट से 20% का धन अपनी सैन्य खर्च के लिए उठाता है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं के बारे में। लेकिन आपको क्या लगता है, मिसाइल सेनाओं और हथियार के दम पे क्या कभी विश्वगुरु बना जा सकता है? दुनिया को बदलने के लिए, एक नई और अच्छी राह दिखाने के लिए और क्या क्या जरूरी है, और वहाँ की सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।
आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हाँ, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं तो सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।